नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्लेशियस फॉल की। ग्लेशियस फॉल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है स्ट्रेट स्लोपिंग ग्लेशियस और क्रेस्ट स्टोन पिचिंग वगैरह वगैरह। यदि इसकी हम प्रैक्टिकल फ़ोटो की बात करें, प्रैक्टिकली फॉल कैसा दिखता है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से प्रैक्टिकल फॉल दिखता है। जब ग्राउंड लेवल में चेंजेज आते हैं, जहाँ पर हमें स्लोप मिलता है, नीचे कैनाल को यदि आपको लेकर जाना है, तो उस जगह फॉल प्रोवाइड करने होते हैं। यह है फ्लूम्ड ग्लेशियस फॉल। इसमें होता क्या है दोस्तों, कि जहाँ से पानी को नीचे जाना है, पानी को नीचे गिरना है, उस जगह एक क्रेस्ट बना दी जाती है, जिससे पानी थोड़ा सा रुक जाता है, उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, और उसके बाद में जो आपको ये स्लोप दिख रहा है, जो स्लांट है एक तरह से, इस पर पड़ के पानी नीचे डाउन स्ट्रीम में चला जाता है। ये वीडियो है, इसमें आप देख रहे होंगे कि स्लोप दिया हुआ है, और स्लोप में जो स्लाइड बनी हुई है उसके ऊपर पानी गिरता है, उसे हम ग्लेशियस कहते हैं। ग्लेशियस पे पानी गिर के डाउन स्ट्रीम की तरफ चला जाता है। साइड में स्टोन पिचिंग की हुई है, जिससे कि इरोजन ना हो और एनर्जी भी पानी की थोड़ी कम हो जाए। तो ये था स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल। सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।